नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कर्ज जितना भी बड़ा क्यों ना हो जल्दी उतर जाएगा। अगर आप इन उपायों में से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपका ये कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों, कर्ज का सिर पर होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्जहीन जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार इसे लौटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना बहुत भारी पड़ता है। कई बार कर्ज चुकाते चुकाते सारी आयु निकल जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज उठाना समस्या होती है। कर्ज में डूबे व्यक्ति का परिवार सदा चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों के साथ रहता है। कर्ज के कारण मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह बढ़ जाती है। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने व अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्ज लेने वक्त ही समस्या के बारे में सोचने की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इस मुश्किल को टालना नामुमकिन हो जाता है। महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मंगलवार को कुछ उपाय कर कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, हमेशा ख्याल रखें कि आप मंगलवार या शनिवार वाले दिन कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज काफ़ी दिक्कतों से भरा होता है। हनुमान जी की पूजा और उनकी भक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन भी मंगलवार ही माना जाता है। इस दिन आप कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। इसके लिए आप एक नारियल पर चमेली का तेल मिले संदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग जैसे लड्डू, गुड़, चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्त्रोत या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। ऐसा करना शुभ माना जाता है। एक और उपाय, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको बहते पानी में जल प्रवाह करें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं। यदि आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो शमशान के किसी कुएं या नल से जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। यदि यह उपाय कम से कम 6 शनिवार किए जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा हम आपको एक और बात बता रहे हैं कि जब कोई भी उपाय सफल ना हो रहा हो तो फिर अंत में हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार के रोज उन पर तेल और संदूर चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाल का पाठ करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको कर्ज में मुक्ति दिला सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छे से अच्छे उपाय बता सकें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।